चलिए देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कम समय में पावर पॉइंट में स्लाइड अट्रैक्टिव और ग्राफिकल कितने तरीके से और कैसे फास्टेस्ट तरीके से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एआई टूल्स का यूज़ करेंगे और एआई टूल्स कई प्रकार के होते हैं। आप उनका यूज जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ब्राउजर पे जाते हैं और ये खोलते हैं क्रोम। और इसके बाद क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर एक एआई टूल है, हाँ, क्लाउड एआई, ठीक है। यहाँ पे सर्च करिए इसको, क्लाउड एआई। और यहाँ पे जो भी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको बनाना है प्रेजेंटेशन, उस टॉपिक का नाम डालिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम कंटिन्यू विथ करते हैं। पहले आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है, ये लॉगिन करना होगा। और हम यहाँ पर, हाँ, पहले लॉगिन करना होगा, ठीक है। अपने जीमेल आईडी से इसको आप लॉगिन कर लीजिए। और चलिए यहाँ पे हम लॉगिन करके दिखाते हैं आपको, ये लॉगिन हो गया, ठीक है, इस तरह से। हाँ, ये लॉगिन हो गया क्लाउड एआई। और यहाँ पर हम क्वेश्चन डालते हैं कि पावर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन महात्मा गांधी 10 स्लाइड, ठीक है। बस वो कितना बच डालिए और इसको यहाँ पे आ रही है सर्च मारिए, ठीक है, ये एंटर मार दीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह से ये जनरेट कर दिया, ये आगे, ये पूरा ओनली अभी ये टेक्स्ट में है ना, अभी ये टेक्स्ट में है। इसे करना क्या है कि आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी कंटेंट, कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर ओपन करना है टूल, ये गामा डॉट ए पी आई डॉट ए पी पी, ठीक है, गामा डॉट ए पी पी। और ऐप, और यहाँ पे आपको साइन अप करना है, ठीक है, इस तरह से ये साइन अप करेंगे आप, एपीपी हाँ, ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डालिए आप यहाँ पर, ठीक है। और कंटिन्यू कर दिया हमने, ठीक है। और अपना आप जीमेल खोल लीजिए कंफर्मेशन के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपना जीमेल खोल लेते हैं कंफर्मेशन करने के लिए। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन आ गया है। और यहाँ पर जा करके आप इसको साइन इन कर लीजिए, ठीक है। ओके, ईमेल आईडी जो भी थे आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। ओके, देन साइन इन कर लिया, ठीक है। ओके, हाँ, कुछ ही ये मिनट में साइन इन हो गया है। और जो भी आपका पर्पज हो वो पर्पज आप यहाँ पे प्लान जो है तो यहाँ पे आप कर लीजिए, ठीक है, कंटिन्यू कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे पर्सनल यूज़ कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपका ये कंटेंट हो वो कंटेंट डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाइए और क्रिएट न्यू पर जाइए, ठीक है, क्रिएट न्यू पर जाइएगा तो यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा, क्रिएट पावर पॉइंट क्रिएट विथ एआई। यहाँ पे आपको पेस्ट इन टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपने वहाँ पे कॉपी किया था टेक्स्ट क्लाउड से, इसको यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। कॉपी करने के बाद ये कंट्रोल भी कर दिया, पेस्ट हो गया। और आपको किस में चाहिए,
प्रेजेंटेशन में चाहिए या वेब पेज चाहिए या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हमने कहा प्रेजेंटेशन में चाहिए और कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। ये कंटिन्यू कर दिया और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक ये जनरेट कर देगा, अभी ये जनरेट कर ही रहा है, ठीक है। इसमें आपका काफ़ी कम समय में ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के आपको दे देगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे कार्ड्स यानी स्लाइड्स बढ़ाना है, अगर 8 पेज में आपको 10 करना है तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू कर दीजिएगा, ये कंटिन्यू कर दिया हमने यहाँ पर। और यहाँ पर इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे थीम्स, जो भी थीम्स आपको पसंद है वो थीम पसंद कर लीजिए, उसको आप चेक कर लीजिए। और हमने यहाँ पे ये क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया थीम, ठीक है, ये वाला। या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ये वाला थीम आ जाएगा, जो भी आपको थीम पसंद हो वह थीम पे क्लिक कर दीजिए। बहुत सारे यहाँ पे थीम दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर दीजिए, जनरेट कर दीजिए। जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही मिनटों में ये पावर पॉइंट स्लाइड विथ ग्राफिक्स जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये जनरेट कर दिया, ठीक है। ये पूरे ग्राफिक्स अभी जनरेट कर रहा है यहाँ पे, ये टेक्स्ट पूरा जनरेट कर रहा है, इमेज सहित यहाँ पे जनरेट करेगा पूरा, ये देखिए ऐसा ऑटोमेटिक हो रहा है। इसी को अगर आप मैनुअली करते, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करते, तो काफ़ी समय लग सकता था, ठीक है। और कुछ ही मिनटों में ये करके आपको सब दे देगा, सब फिनिश हो रहा है ये। नहीं, इसे हम पावर पॉइंट में डाउनलोड कर सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जब ये बन जाएगा पूरा कंप्लीट, तो इसे हम कई फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं, PPTX पावर पॉइंट में, .docx, .docx में, ठीक है, या फिर .pdf में सेव कर सकते हैं। ये देखिए जो इमेज ये है जनरेट हुआ है, AI जनरेटेड है, अपने से आ गई है ये, है ना। ये पूरे देखिए नंबर ऑफ स्लाइड कितनी है, 1 स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, है ना, ये देखिए पूरे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये जितने स्लाइड है सब ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा, ठीक है। ये इसमें कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, क्योंकि AI जनरेटेड है पूरा चीज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाइएगा और शेयर पे क्लिक करिएगा। शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको किसी को शेयर करना है तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब कि आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट टू PDF में चाहिए आपको, या फिर आपको पावर पॉइंट में चाहिए, आपको PNG में करना है, तो हमने कहा इसे पावर पॉइंट में ही हमें एक्सपोर्ट करना है, और ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, पावर पॉइंट में। ये कुछ ही सेकंड में एक्सपोर्ट कर लेगा, ओके। ये यहाँ पे एक्सपोर्ट कर चुका है, और यहाँ पर इसका नाम देना चाहते हैं आप, बदल सकते हैं नाम, ओके। और इसको हम कर देते हैं शेप, और हमने यहाँ पे भी बनाया था PPT ऑन महात्मा गांधी, ये इसको आप ओपन कर लीजिए। देखिए इसका एक्सटेंशन देख लीजिए किस में बना है, .pptx पावर पॉइंट बना हुआ है, इसको हम राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और ये देखिए आ गया। ये पावर पॉइंट स्लाइड शो करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, F5 होती है ना। तो अगर आप यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं तो ये स्लाइड शो होगा, ये देखिए, है ना। एंटर प्रेस करिए, ये एंटर प्रेस करिए, ये एंटर प्रेस करिए, ये सब चल रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये ठीक है, ये इस तरह से पूरा AI जनरेटेड है ना। अगर आपको इसे एक्सप्लेन करना है, और अगर आपको पेन चाहिए, है ना, कंट्रोल P करिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पेन भी दे देगा, ठीक है। ये पावर पॉइंट का फीचर है, ठीक है। E करेंगे तो कंट्रोल E से इरेजर आ जाएगा, इसको आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ये कोई दिक्कत। ESC प्रेस कर देंगे तो ये स्लाइड शो फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ओके।
इस तरह से इसको हम कर देते हैं स्टॉप। ओके,